पीलीभीत में एक सप्ताह पहले एक युवक ने आत्महत्या कर ली। दरअसल युवक बेरोजगार था, जिसने रुपए देने के बाद भी नौकरी के नाम पर ठगी होने और कर्जदारी से तंग आकर सुसाइड कर लिया। अब एक बार फिर पीलीभीत में दर्जनों बेरोजगार युवक युवतियों के साथ स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपयों की ठगी जालसाजों ने की है। मामले में मलेरिया विभाग के एक बाबू और उसके बेटे की मिलीभगत के आरोप हैं और पुलिस से शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और कार्रवाई की बात कह रही है। समझते क्या, ऐसा था आउटसोर्सिंग की जॉब निकली थी जिसमें विपिन कुमार ने हमसे पैसे लिए थे उसके लिए, और उसकी हमें ज्वाइनिंग करवाई थी। लखनऊ में जाके लेटर दे दिया था। उसके बाद जब हम वापस आए तो यहाँ पे पंकज सिन्हा जो बाबू हैं मलेरिया विभाग में, उन्होंने कहा था ज्वाइनिंग करवाएंगे, लेकिन वो मिले नहीं, छुट्टी पर चले गए। उसके बाद उनके लड़के ने हमसे ज्वाइनिंग करवाई वसुंधरा कॉलोनी में, और उसके बाद से कह रहे हैं कि आज कल टाल रहे हैं कि आज जॉब लग जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी, कल ज्वाइनिंग हो जाएगी। जब क्या कहते हैं, हमने शिकायत करी सीएम ऑफिस में तो पता करा कि वहाँ पर ये लेटर जो है फर्जी लेटर हैं सब। स्वास्थ्य विभाग में नौकरी के नाम पर ठगी का एक मैटर सामने आया है, जिसमें जो है थाना स्तर पर उसमें जांच कराई जा रही है। जांच के पश्चात जो चीज़ें सामने आएगी उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक मुकदमा अभी हुआ नहीं हुआ? नहीं, अभी जांच की प्रक्रिया चल रही है, जैसे ही जांच पूरी होती है तत्काल उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। पंकज सिन्हा जी विपिन कुमार को पैसे दिए थे हमने 2,16,000। फिर उन लोगों ने ज्वाइनिंग के लिए बुलाया था हमें, ज्वाइनिंग के लिए मरेलिया अस्पताल में, मरेलिया में नहीं कराई, फिर कार में वसुंधरा में ज्वाइनिंग कराई उन लोगों ने वसुंधरा में। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो आपकी ज्वाइनिंग 45 दिन में सैलरी आने लगी, काम धंधा बताया नहीं उन लोगों ने। उनसे कॉल करी तो वो कह रहे हैं अब ज्वाइनिंग हो जाएगी। बच्चे ही कह रहे हैं, आपने सीएमओ से शिकायत की, स्वास्थ्य विभाग में पता करा, स्वास्थ्य में पकड़ा गया तो वो कह रहे हैं ये फर्जी है जॉब।